हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग दिखाएंगे क्लासमेट का आर्किमेडीज का ज्योमेट्री बॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बॉक्स के ऊपर ब्लू कलर का बॉक्स है, उसके ऊपर वर्ल्ड मैप जैसा कुछ बना हुआ है ना। एक्चुअली वर्ल्ड मैप ही बना है, पर कुछ ट्रायंगल और शेप्स की मदद से बना हुआ है। और यहाँ पे कंपास का डिजाइन है, और बाकी क्लासमेट आर्किमिडीज मैथमेटिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड फॉर एग्जाम्स। ठीक है, वैसे मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी अपने एग्जाम के लिए यही यूज करता हूँ, गुड ऑप्शन। ठीक है, और पीछे देख लेते हैं, ये इसके कुछ फीचर्स है कि डाईकास्ट कंपास है और डबल साइडेड ट्रे है, कंपास विस्पर गियर टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल पेंसिल इज प्रोवाइडेड। बाकी आप पढ़ लीजिए जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, नेट कंटेंट वगैरह जो अगर आपको पढ़ना हो तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और इसकी जो MRP है वह 150 है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, और पैकेजिंग 7/2019 है, और प्राइस मैं रिपीट कर देता हूँ कि 150 है। तो लेट्स ओपन इट। ये है हम लोग का बॉक्स। ठीक है, बिल्कुल यही सेम जो ऊपर इस कार्डबोर्ड के बॉक्स के ऊपर बना हुआ था, वही स्टील के बॉक्स के ऊपर भी बना हुआ है। और बाकी ये है साइड से इस तरह से। ठीक है, और ये पीछे से ग्रे कलर का है। ये है इसे, बॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। ये देखें, बॉक्स की अच्छी खासी क्वालिटी है। तो इसको हटा देते हैं, इसको ये ऐसे खुलता है, ऐसे बॉक्स टाइट भी है तो आपको ये गिरने का कोई खतरा नहीं है। तो बॉक्स के अंदर आपको ये हर बार की तरह, जो कि आप किसी भी क्लासमेट के ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिल जाएगा, एक ये फॉर्मूले वाली जो मतलब टेबल टाइप की जो है, जो कि कुछ ज़्यादा काम की नहीं होती है। हाँ, बच्चों के लिए काम की होती है, पर अगर आप क्लास 10th या उसके ऊपर या के हैं तो किसी काम की नहीं है उतनी ज़्यादा। ठीक है, ऐसे आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर आपकी काम की हो। ठीक है, और पीछे भी यही है, इसकी भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ओके, तो अब इसको देख लेते हैं बॉक्स को। बॉक्स में हम लोग को एक शार्पनर मिल जाता है, और एक ये क्लासमेट के इरेजर मिल जाता है, जिसको जो कि प्लास्टिक के रैपिंग में आता है, और ये एक मैकेनिकल पेंसिल। ऐसे आपको पता है ये मैकेनिकल पेंसिल होती बहुत काम की है। ऐसे एक चीज़ मैं मानता हूँ, ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, मतलब शायद उतनी एक्यूरेसी नहीं देती है। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूँ, पर हाँ इसको आप रफ़ के लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है, ये जो पेंसिल होती है जो छोटी मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर ऐसे छोटी पेंसिल मिलना मुश्किल होता है। तो इसके लिए अच्छा है कि आप इसको अपने मेन काम या एग्ज़ाम के लिए रखें, इस कार्डबोर्ड वाली पेंसिल को। एक है कार्डबोर्ड वाली पेंसिल इस टाइप की, ब्लू कलर की, बिल्कुल सब कुछ ब्लू ब्लू है। ठीक है, इसको भी साइड में रख देते हैं। ऐसे पेंसिल की क्वालिटी अच्छी है, मैं ये बता देता हूँ, अच्छा डार्क वो करता है। और ये हम लोग की छोटी सी मैकेनिकल पेंसिल 0.5 की है। ठीक है, तो और हम लोग क्या दिखा है, डिवाइडर पे आते हैं, और ये हमारा डिवाइडर है। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये दो स्क्रू लगे हुए हैं, ये दो स्क्रू इस फीचर को बताता है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था कंपास विस्पर गियर टेक्नोलॉजी, कंपास और डिवाइडर और दोनों सेम इस कंसेप्ट पे काम करते हैं। ये दो स्क्रू लगे हुए हैं, बिल्कुल स्मूथ है, ऐसे इसका कुछ काम होता नहीं है, ये भी बेकार है। लेट्स सी दिस वन, ये है लेड बॉक्स जिसमें 0.5 के लिखा भी हुआ है, 10 पीस है, HB मतलब डार्कनेस जो होती है HB की है, क्लासमेट लिखा ही हुआ है। ऐसे बॉक्स क्वालिटी भी अच्छी है। और फाइनली हम लोग इस पे आते हैं, अपने मेन जो जिसके लिए हम लोग मेन कंपास मतलब ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते ही है, वो हम लोग का कंपास है। तो ये देखिए स्लीक डिज़ाइन, ये देखिए स्मूथ है, टाइट भी है।
वैसे मुझे एक चीज़ इसकी डिसएडवांटेज लगी, आप ये देख सकते हैं ये जो स्क्रू बिल्कुल ही अंदर एकदम, मतलब जो अंदर घुसे हुए हैं, इसके एक एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। अंदर घुसे हुए इसलिए ये ज़्यादा जल्दी ढीला नहीं होगा। हाँ, पर अगर ढीला हो गया तो आप इसको मतलब अपने दांत से या उंगली के नाखूनों से ऐसे घुमा के टाइट नहीं कर पाएंगे, आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा इसको टाइट करने के लिए। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप समझ ही गए मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अब ये है डबल ट्रे का मतलब कि एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। इस ये नहीं निकलेगा इसलिए नहीं, अच्छा निकलेगा हाँ, पर इतनी आसानी से ये नहीं निकलता है क्योंकि ये देखिए यहाँ ये पर ऐसे लगा हुआ है इसको रोकने के लिए। बाकी अगर आपको मतलब आपके अगर ये सब आपको मतलब खो गए हो या कुछ हो तो आप इस बॉक्स का वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं खाली, ठीक है। और बाकी इसको देख लेते हैं, इधर आपको एक स्केल मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी का है, ये देखिए बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का साफ साफ दिख रहा है ना। और बाकी आपको ये दो मिल जाएंगे सेट स्क्वायर, इनको सेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक। ये एक ऐसे किसी काम का तो होता नहीं है, अगर खासकर अगर स्कूल में है तो स्कूल में तो किसी काम का नहीं आता है, ठीक। और लास्ट में ये सबसे ज़्यादा काम का, अगर एक्यूरेसी के लिए अगर आपको चाहिए हो तो, नहीं तो स्कूल में तो सब हर जगह ये कंपास का ही काम होता है। ये देखिए प्रोटेक्टर 90 डिग्री पूरा एकदम साफ साफ, सब कुछ बिल्कुल रीडिंग वगैरह सब साफ है, क्लासमेट लिखा हुआ बीच में, हल्का सा यहाँ पे काला काला दाग है आप देख सकते हैं। ऐसे इस काले दाग, ये जो काला दाग है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा क्योंकि वो शायद मुझसे ही लगा होगा, क्योंकि मैं इसको एक बार यूज़ कर चुका हूँ अपने एग्ज़ाम में, मैं इसको यूज़ करने के बाद दिखा रहा हूँ। असल में मैंने इसकी वीडियो पहले इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मुझे ज़रूरत थी यूज़ करना। तो आप ये सब देख सकते हैं, यही सब मिल रहा है, इतना कुछ 150 रुपये कॉस्ट है। और अगर मैं बात करूँ एस्टीरॉयड की, एस्टीरॉयड मेरे पास पड़ा हुआ है पर उसका मैं रिव्यू बिल्कुल डाउन दूंगा, इसलिए डाउन दूंगा क्योंकि उसका जो कंपास होता है एस्टीरॉयड का जो कंपास होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। इसका देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल स्मूथ है वो है, पर आपका जो एस्टीरॉयड में होगा, एस्टीरॉयड में इस तरह से ये निकल जाता है, ठीक है, एस्टेरॉयड में इस तरह निकल जाता है। और ये फिर ऐसे डिवाइडर भी नहीं रहता है, इसकी जगह एक ये रहता है प्लास्टिक का, तो वो इसमें तो ये ऐसे 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 हिलता रहता था, इनएक्यूरेट रीडिंग होती है उसके लिए। तो मैंने 2 बार खरीदा था, दोनों बार बेकार निकले, उसके बाद मैंने खरीदना छोड़ दिया। एस्टेरॉयड वाला 250 का आता है, पर मैं प्रिफेयर करूँगा आप ये 150 का ये वाला लीजिए, इसका नाम है आर्किमेडिस, मैं फिर से नाम बता देता हूँ, आर्किमेडिस है, इसको लीजिए, आप प्रॉफिट में रहेंगे, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और बाकी तो एक ही हम लोग का जो डायलॉग होगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको कोई सजेशन देना हो। और प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप हम लोग को सब्सक्राइब करवाइए और जल्द से जल्द हम लोग को 200 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए। हम लोग के अभी 175 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो मैंने देखा है कि मेरे पास व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं पर मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। वैसे मैं बता देता हूँ ये पूरा चैनल स्टेशनरी के ऊपर बेस्ड है, अब इसको सब्सक्राइब करिए, ऐसे अच्छे अच्छे आपको स्टेशनरी के मिलेंगे। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने में, तो अगर मुझे एक भी सब्सक्राइबर मिलता तो मुझे बहुत खुशी होती है। प्लीज़ आप इस वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कॉमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।